हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 5 के टॉपिक सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड के कंपोजिशन को। ब्लड के कंपोजिशन के फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसको प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड, मीन्स कि कौन सी ऐसी सेल्स होती हैं जो ब्लड को बनाती हैं, ब्लड को, रक्त को, खून को बनाती हैं, और वो उनका क्या क्या काम होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम लोगों ने देखा था ब्लड के कंपोजिशन के बारे में कि अगर हम ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो सबसे पहले ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज ब्लड प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज सेल फ्रैक्शन। दो भागों में ब्लड को हम अगर प्राइमरीली डिवाइड करेंगे तो इन्हीं दो भागों में ब्लड हमारा डिवाइड होगा। और जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये टोटल ब्लड का 55% कंटेंट जो होता है दैट इज ब्लड प्लाज्मा, एंड रेस्ट 45% इज द सेलुलर कंपोनेंट की सेल फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड। वो सेल्स जिनसे कि हमारे ब्लड का निर्माण होता है, खून जिनसे बनता है। तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल फ्रैक्शन के बारे में। तो सेल्स जो होती हैं, ब्लड सेल्स, ये मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। तीन तरीके की ब्लड सेल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज एरिथ्रोसाइट्स, इसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, जिसे कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के नाम से भी जाना जाता है। देन सेकेंड वन इज ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स इट मीन्स कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। और ल्यूकोसाइट्स में और भी ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आपकी लिम्फोसाइट्स हो गई, बेस्ट मोनोसाइट्स हो गए, बेसोफिल्स हो गई, न्यूट्रोफिल्स एंड इस्नोफिल्स, इसके आगे आप फिल सेट कर लीजिएगा। ये सब जो है दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ WBC, मीन्स कि दीज आर द टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। एंड थर्ड नंबर ऑफ ब्लड सेल जो है, जिसे कि हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि इसे कहा जाता है प्लेटलेट्स। इन सब का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, नॉर्मल आपने ब्लड चेक कराया होगा, वहां पे भी सुना होगा कि आरबीसी का लेवल बढ़ा हुआ है, उससे क्या पता चलता है, WBC, प्लेटलेट, इन सब के बारे में। तो जो सेल ब्लड सेल्स होती हैं ये मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। सबसे पहला है इरिथ्रोसाइट, जिसे कि हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। देन सेकेंड वन इज ल्यूकोसाइट, which is also known as WBC, and leukocytes including lymphocytes, monocytes, basophils, neutrophils and eosinophils, and the third cell of blood is known as thrombocyte, and also it is also called as platelets. तो ये तीन तरीके की सेल्स होती हैं। अब इन जो सेल्स का, ये तीनों तरीके की जो सेल्स का प्रोडक्शन होता है दैट इज रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में इन तीनों का प्रोडक्शन होता है। रेड बोन मैरो, जैसे स्प्लीन के रेड बोन मैरो में इन तीनों का प्रोडक्शन होता है। सो ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो अदर देन, केवल किसके अलावा, अदर देन लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स के अलावा सारी सेल्स, लगभग सभी सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में। और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इनका जो प्रोडक्शन होता है ये लिम्फोइड टिश्यूज में सिंथेसाइज की जाती हैं।
तो हमने देखा कि सेल्स हमारी कितने तरीके की होती है, तीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और इन सेल का प्रोडक्शन होता है कहां पे, रेड बोन मैरो में। केवल लिम्फोसाइट है जो कि लिम्फोइड टिश्यूज में पनाई बनती हैं। अब रेड बोन मैरो में इनका कैसे प्रोडक्शन होता है हम ये देखेंगे। तो रेड बोन मैरो में लार्ज नंबर ऑफ रेड बोन मैरो में लार्ज नंबर में मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में कॉन्टिन्यूली डिवाइडिंग सेल्स पाई जाती हैं। कॉन्टिन्यूली डिवाइडिंग सेल्स मतलब ऐसी सेल्स पाई जाती हैं रेड बोन मैरो में जो कि लगातार डिवाइड होती रहती हैं। लगातार डिवाइड होने का मतलब उनमें रेगुलर सेल डिवीजन होता रहता है। इट मीन्स कि दो दो से फिर वो हो जाएंगी दो, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे ही डिवाइड होती रहती हैं। और ये जो कॉन्टिन्यूली डिवाइडिंग सेल होती है इसे कहते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। और यही प्लूरीपोटेंट से स्टेम सेल जो है, ये प्लूरीपोटेंट सेल के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि इन तीनों में से किसी भी टाइप ऑफ सेल में ये डिवाइड हो सकती है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल हैव द कैपेबिलिटी इन डेवलपिंग एनी वन ऑफ दिस ब्लड सेल्स। सो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है रेड बोन मैरो में। केवल लिम्फोसाइट हैं जो कि लिम्फोइड टिश्यूज में जिनका प्रोडक्शन होता है, और रेड बोन मैरो में लार्ज नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूली डिवाइडिंग लगातार डिवाइड होने वाली सेल्स पाई जाती हैं जिसे कि हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। और इन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या किसी भी तरीके की ब्लड सेल्स में डिवाइड हो सकती है। अब हर तरीके के ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की प्रोडक्शन की प्रक्रिया अलग है जिसे कि हम कहते हैं हीमोपोइसिस, मतलब कि ब्लड का फॉर्मेशन, इरिथ्रोसाइट की प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो अलग है, ल्यूकोसाइट की अलग है, थ्रोम्बोसाइट की अलग है। हीमोपोइसिस को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन सभी सेल्स की जो ब्लड की फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है इसे ही हम कहते हैं क्या, हीमोपोइसिस। अब हम देखेंगे एक एक ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, एरिथ्रोसाइट, जो कि हमारी सबसे मेन ब्लड सेल है। फर्स्ट वन इज एरिथ्रोसाइट्स, और एरिथ्रोसाइट जो है यानी कि जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं, ये मोस्ट एब्यूंडेंट सेल है, मोस्ट एब्यूंडेंट ब्लड सेल है। ये मोस्ट एब्यूंडेंट का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा, सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ब्लड सेल हमारी जो है वो कौन सी है, आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट, यानी कि जो ओवरऑल सेल कंटेंट है उसका 99% पोर्शन जो है वो क्या है, आरबीसी है। और इनका जो शेप होता है, आकार कैसा होता है आरबीसी का, ये थिन शेप की होती है, फ्लैटेंड होती है, और बाई कॉनकैप शेप की होती है। यानी कि ये कुछ इस तरीके से इनका शेप होता है, और इनके शेप के आधार पे ही, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ये कैपिलरीज में इजीली इंटर कर जाती हैं। और ये फ्लैटेंड शेप होने की वजह से ये आगे अभी हम देखेंगे कैसे अपने साथ हीमोग्लोबिन को अटैच करके ऑक्सीजन और आयरन मॉलिक्यूल्स को भी ये कैरी करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट अब्यूंडेंट से ब्लड सेल्स हैं। इनका जो शेप होता है थिन, फ्लैटेंड और बाइकॉनकेव शेप होता है, और इनका जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन काम होता है आरबीसी का, दैट इज गैसियस ट्रांसपोर्ट, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, मेनली ऑक्सीजन और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती हैं आपकी आरबीसीज। और हमारी बॉडी में आरबीसीज की 30 बिलियन
30 ट्रिलियन आरबीसीज पाई जाती हैं। 30 ट्रिलियन मीन्स की 10^14 आरबीसीज पाई जाती है। अब 1 मिलियन में 10 लाख, 1 बिलियन में 10 करोड़, ट्रिलियन में 10 अरब, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी ब्लड हमारी बॉडी में कितनी आरबीसीज पाई जाती हैं। और जितनी भी अमाउंट, फॉर एग्जांपल अगर 30 ट्रिलियन आरबीसी हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, तो इस 30 ट्रिलियन का 1% डेली 1% जो होती है ये क्लियर्ड हो जाती है या डिस्ट्रॉयड हो जाती है। डेली 1% आरबीसी हमारी खत्म हो जाती है। और ये जो ओल्ड आरबीसी होंगी, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन होता है एरिथ्रोसाइट का वो 120 डेज की लाइफ स्पैन होता है, मीन्स की आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी 120 दिनों के लिए जीवित रहती है। और हमारे बॉडी में पर सेकेंड 2 बिलियन आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं। ये 2 बिलियन आरबीसी पर सेकेंड हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं, 2 बिलियन आरबीसी का। और उसमें से 1% ओवरऑल आरबीसी का डेली क्या हो जाता है, डेली वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ये है हमारा आरबीसी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक की सबसे ज्यादा पाई जाती है। थिन फ्लैट एंड बाइकॉनकैप्सिव होता है, गैसियस ट्रांसपोर्ट का काम करती है, जिसमें कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आती है। 30 ट्रिलियन आरबीसी हमारे बॉडी में पाई जाती है, जिसमें से 1% डेली क्लियर एंड डिस्ट्रॉय हो जाती है। लाइफ स्पैन जो होता है इनका 120 दिन का होता है। और 2 बिलियन आरबीसी पर सेकेंड रेड बोन मैरो के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है। अब हम देखते हैं कि ये आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो स्प्लीन के थ्रू या जो हमारा रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो से हमारी इमेच्योर आरबीसी या इमेच्योर एरिथ्रोसाइट, इमेच्योर आरबीसी प्रोड्यूस होती है। और ये जो इमेच्योर आरबीसी होती है इसे हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट्स। इस इमेच्योर आरबीसी को क्या कहा जाता है, दिस इमेच्योर आरबीसी इज नोन एज रेटिकुलोसाइट। और इस रेटिकुलोसाइट को लगते हैं 7 दिन मेच्योर होने में। After 7 days ये mature होके किस में कन्वर्ट हो जाती है, erythrocytes में। और ये red bone marrow से जो immature RBC आ रही है कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है blood stream में। तो blood stream में 7 दिन रहने पे ये reticulocyte mature होके क्या बन जाते हैं, erythrocyte। और erythrocyte बनने के बाद ये 120 दिन का अपना life span पूरा करते हैं, और फिर उसके बाद ये बॉडी से डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, क्लियर्ड आउट हो जाती हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसे कहा जाता है इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि इरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहा जाता है इरिथ्रोपोइसिस। और ये जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं इनका जो डायामीटर होता है दैट इज ऑफ 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर का इनका डायामीटर होता है। और इनके इरिथ्रोपोइसिस के लिए जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं दैट इज विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, ये इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आरबीसी प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये दोनों ही न्यूट्रिएंट जो हमारे डेयरी फूड्स हैं उनमें पाए जाएंगे, जैसे कि मिल्क हो गया, पनीर हो गया, आपका दही हो गया, इन सब में ये पाए जाते हैं। वहीं पे वेजिटेबल्स में भी पाए जाते हैं और मीट्स में भी पाए जाते हैं। और इस एरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया को जो हार्मोन रेगुलेट करता है हम उसे कहते हैं एरिथ्रोप्रोटीन। जो हार्मोन इस प्रक्रिया को रेगुलेट करता है उसे कहा जाता है क्या, इरिथ्रोप्रोटीन। तो ये था आरबीसी के बारे में।
अब हम देखते हैं इसी आरबीसी से अटैच हो के रहता है हीमोग्लोबिन। इसी आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में भी जान लेते हैं, हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन में सबसे पहले पाया जाता है यहाँ पे देखिए दो वर्ड से बना है, एक हीम और ग्लोबिन। तो यहाँ पे पाए जाते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन, जिसे कि हम कहते हैं ग्लोबिन, और पिगमेंटेड आयरन पाया जाता है। और ये पिगमेंटेड आयरन को ही जो इसका कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्सीजन के साथ, उसे हम कहते हैं हीम। और इसमें चार हीम मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूं थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये आपस में ऐसे लिपटे हुए रहते हैं। तो इसमें चार हीम मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और चार ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये जो चार हीम मॉलिक्यूल है, इनको हम इस तरीके से अगर समझें, ये हीम मॉलिक्यूल, ये ग्लोबुलिन, ये हीम, ये ग्लोबुलिन, ये ऐसे होते नहीं है, बट हम इसको समझने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये चार हीम मॉलिक्यूल हो गए और चार ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल हो गए, ग्लोबुलिन प्रोटीन के जो। तो यहाँ पे पाया जाता है आयरन, ये आयरन यहाँ पे पाया जाता है इन चारों पे, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ये आयरन मॉलिक्यूल ये क्या करते हैं, यहाँ पे अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लेते हैं, और ऑक्सीजन जुड़ जाता है, किसी कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। और एक एवरेज आरबीसी में, एक एवरेज आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं एन एवरेज आरबीसी में। अब आप सोचें कि एक आरबीसी में 280 मिलियन और 280 में चार मॉलिक्यूल्स आयरन के और चार ऑक्सीजन के, तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और कितने आयरन के मॉलिक्यूल आपके केवल और केवल एक आरबीसी में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो इनका अटैचमेंट होता है ऑक्सीजन का, जब इस जो इनका ट्रांसपोर्ट होता है, जब इस चारों आयरन मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, तो इसे कहते हैं कि इसकी क्या हो जाती है, सैचुरेटेड पोजीशन। और इनके बीच में हीम मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में जो अटैचमेंट होता है ये रिवर्सिबल, जैसे इसको इस तरीके से, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, ये हीमोग्लोबिन हो गया, इनके बीच में रिएक्शन हो जाती है, ये बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स बना के, ये क्या, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। और ये रिवर्सिबल होता है, यहाँ पे आके हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। तो अब जिस जहां पे आप देखें जो ब्लड होता है उसका कलर अलग अलग, मतलब ब्लड के दो कलर हमें जनरली देखने को मिलते हैं, एक रेड एक ब्लूइश कलर, ये डिपेंड करता है इसी पे। अगर ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमारा ब्लड रेड कलर का हो जाएगा, ब्राइट रेड कलर का, अगर ये कंसंट्रेशन कम है तो ये ब्लूइश कलर का हो जाएगा। अब ये हमने देख लिया हीमोग्लोबिन के बारे में। अब हम देखते हैं जो हमारी सेकेंड ब्लड सेल है, दैट इज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स के बारे में, ल्यूकोसाइट्स क्या होती हैं, ल्यूकोसाइट्स जिसे कि हम कहते हैं WBC, ये क्या काम करती है, ये मेनली बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये क्या काम करती है, बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखने का, इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करती है आरबीसीज। और ये किस तरीके से मेंटेन करती है, तो ये क्या होती है, ये एक तरीके की एंटीबॉडीज होते हैं, और जो एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ रिएक्शन करके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप हो जाती है। एक और चीज आरबीसी में छूट गई कि उनमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, बट ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। वहीं साथ साथ प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। और ये जो इसमें
दो तरीके की ल्यूकोसाइट्स होते हैं, एक होता है ग्रैनुलर और दूसरा होता है एग्रैनुलर। ग्रैनुलर और एग्रैनुलर, इसका जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, इसके साइटोप्लाज्म में, ये जो सेल होती है सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इसके जो कौन कौन से सेल्स हैं वो जिनमें पाया जाएगा, बेसोफिल्स में पाया जाएगा, न्यूट्रोफिल्स में पाया जाएगा, स्नोफिल्स में पाया जाएगा, वहीं पे हमारे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में एग्रैनुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ल्यूकोसाइट यानी कि WBC। अब हम देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट सेल है जिसे कि हम कहते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। प्लेटलेट का जो मेन काम होता है इसे हम कहेंगे क्या, प्लेटलेट यानी कि थ्रोम्बोसाइट। और इस प्लेटलेट का जो मेन काम होता है ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है। ब्लड का जो जमना होता है, ब्लड इसी की वजह से ब्लड हमारा जमता है। इसमें जो कुछ इसके साइटोप्लाज्म में, इसमें साइटोप्लाज्म में इसमें फाइब्रिन पाए जाते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं। और प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसका जो शेप होता है प्लेटलेट्स हमारी, स्मॉल डिस्क शेप्ड की ये होती है। और इनका जो डायामीटर होता है वो होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर का इनका डायामीटर होता है। लाइफ स्पैन इनका 8 से 11 दिन का होता है, 8 to 11 days का इनका लाइफ स्पैन होता है। और ये जो पाई जाती है इनका जो कंसेंट 200 × 9 power per lakh में ये पाई जाती है। तो ये हो गए हमारी क्या, प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट। तो गाइस ये था सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड सेल्स के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।